और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। तिब्बत के थाना देवबंद में 5 दिन पूर्व जंगल में मिले छात्र के शव के मामले में आया नया मोड़। छात्र के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पीड़िता मां ने नम आंखों से अपने मृतक पुत्र के लिए मांगा इंसाफ। छात्र के पिता के मुताबिक देवबंद पुलिस नहीं कर रही है कोई मदद। 28 अप्रैल को गायब हुआ था कक्षा 10 का छात्र विकास। 5 अप्रैल को देवबंद के अमेठा गांव में मिला था छात्र का शव। पीड़िता परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांगा इंसाफ। मल्याण गांव था जी। क्या नाम था? उसका नाम था विकास जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? 10वीं कर ली थी जी उन्होंने। अच्छा, पेपर दिए थे इस बार? हाँ, 10वीं के पेपर दे दिए थे। रिजल्ट तो नहीं आता ना? ना, भी रिजल्ट नहीं आया। कैसे कैसे हुई है? अजी जिस वक्त हमें लेना गया हमने फ़ोन करा, मगर भाई हमें लेना आ जाओ, तो लेना आया तो वहाँ से किसी ने सुन लिया होगा। अब एक ने कहा कहियो कि तो नहीं आने का तेरा भाई, तो अभी नहीं आने का तेरा भाई, अब क्यों नहीं आने का? मगर ये कहने लगे। कब तक, कब की घटना आया? 28 तारीख की जी। तो फिर कितने दिन बाद डेड बॉडी मिली? फिर जी क्या नाम वहाँ मिली? 5 तारीख को जी। अच्छा, हाँ जी। आपने किस कहाँ कहाँ गुहार लगाई? इन्होंने सारे कटोई जी, इन्होंने कहीं नहीं मिला जी। तो सर मैं जब काम पर था, वो कहने लगे वहाँ से फ़ोन आ गया, हमें लेने के लिए आ जा, ये अपने नाना जी के यहाँ गए हुए थे मेरी लड़की और मेरी घर वाली। तो उन्होंने कहा कि 2 बजे जाने के लिए थे, मैं उसे रोक दिया कि तुझ 4 बजे, मैं 4 बजे भेज दिया उसे यहाँ से, 4 बजे निकला वो। तो उनका 6 बजे फ़ोन आया कि विकास नहीं अभी तक यहाँ आया। तो फिर मैं यहाँ से साथ ही एक्सीडेंट होता तो मोटरसाइकिल टूटती। तो आपका क्या शक है? तो ये तो इसका हत्या करी गई जी। तो आप क्या मांग करते हो सरकार? हम तो मांग ये कि जो हत्या रहा उसे सजा जरूर मिले। शक तो हमारा कसौली वालों पर है जी। कसौली? अच्छा। कुछ आदमी है वहाँ के जो, क्या वजह हो सकती है? ये जमीन जायदाद के लिए। अच्छा, ये जो उनकी संपत्ति है जो 5 बीघे जमीन है उसको लेकर बार बार झगड़ा होता था। हाँ, सब विवाद था आपका किसी जी? पहले से विवाद चला जी, इनके परिवार वालों से ही। अच्छा अच्छा, उनसे विवाह चल रहा था हमारा जी के। हमारे पे एप्लीकेशन कप्तान के यहाँ की पिछली एप्लीकेशन भी रखी, हमारे मुकदमा दर्ज कराया था हमारी लड़की। उसे एक हाशिमपुर देवबंद में, हाशिमपुर एक जगह है, वहाँ से एक लड़का गायब हुआ था। उसके गायब होने के संबंध में सुसंगत धारा में तत्काल देवबंद थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और उसकी तलाश की जा रही थी। तलाश के क्रम में ही उसकी डेड बॉडी मिली और PM पंचायतनामा की कार्रवाई कर ली गई है। परिजनों से बात करके जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से सुसंगत धाराओं में विवेचना को तर्मीन किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी इसमें।